नमस्कार, कुको विधि में आपका स्वागत है। आज हम मटर पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, लेकिन सीजन वाली मटर बिल्कुल भी नहीं होगी। बगैर सीजन की मटर के रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, जिसका स्वाद बिल्कुल ताजे हरे मटर जैसा होगा। हम मटर पनीर की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 200 ग्राम पनीर है, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। पनीर के पीस आप अपने अकॉर्डिंग काटें। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम पनीर को पहले मैरिनेट करेंगे और इसमें अब हम 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। एक टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। इसमें मैंने 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें। अब इसमें हम थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे और ये 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे पनीर अच्छे से कोट हो जाएं। अब हम इसको ढककर थोड़ी देर साइड में रख देंगे और गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है। तेल गरम हो गया है। इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, ये 1 बड़ी इलायची छील के डाल देते हैं, 2 छोटी इलायची छील के डाल देते हैं और ये 3-4 लौंग और 8-10 काली मिर्च, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम ये 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, उनको भी भून लेते हैं थोड़ा सा। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस हल्का सॉफ्ट करना है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, बड़ा बड़ा काट लिया, इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच देगी मिर्च, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये मैंने तरबूज के बीज लिए हैं, उनको डाल देते हैं। आज हम काजू की जगह तरबूज के बीज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और ये बिल्कुल काजू का ही काम करते हैं। इनको डालने से पता नहीं चलता कि आपने काजू डाले हैं या कुछ और डाला है। ये सब मिक्स करके अच्छे से भून लेते हैं थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसमें भी हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और ढककर हम थोड़ी देर पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी की सामग्री बनकर तैयार है। अब हम इसको ठंडा करके एक मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये कढ़ाई मैंने गैस में चढ़ा दी है। देखिए, हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है ग्रेवी का। अब ये कढ़ाई में हम अपने ये पनीर फ्राई करेंगे। ये हमारे सारे पनीर मैरिनेट हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे, गैस जला देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। ये हमने 3 बड़े चम्मच बटर डाला है, हम इनको बटर में फ्राई करेंगे। बटर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक पीस करके कढ़ाई में डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमें हल्का सा ही करना है ताकि इनका मसालों का इनका कच्चापन चला जाए।
ये देखिए हमारे पनीर तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये ग्रेवी भी हमारी तैयार है। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। लगभग एक बड़े चम्मच। गैस जला दी है। अब हम इसमें अपनी ग्रेवी डाल देंगे। हमने सारे मसाले ग्रेवी में ही डाल दिए थे तो हमें अब मसाले डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे मसाले पहले ही पड़ चुके हैं। अब ये मटर है, ये जो बाज़ार में पैकिंग वाली सूखी मटर मिलती है, हरी मटर, सूखी सुखाई हुई मटर, उसको हमने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और कुकर में उबाल लिया है। ये वही मटर है। इसको अब हम अपनी ग्रेवी में डाल देते हैं। ये मटर भी बिल्कुल हरे मटर जैसी ही स्वाद में बनकर तैयार होती है। अब ये आधा कप दही है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है और इसको भी हम अपनी ग्रेवी में डाल देते हैं। इससे हमारी ग्रेवी में अच्छी सी रिचनेस आएगी और टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा हमारे मटर पनीर का। अब इन सबको मिक्स करके हम अच्छे से पका लेते हैं। ये मिल्क पाउडर है, 2 बड़े चम्मच, इसको डाल देते हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट मटर पनीर का हो जाता है। अब हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी क्योंकि हमारी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना पनीर भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हमारी मटर पनीर की सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा क्रीम से गार्निश कर देंगे और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हम क्रश करके डाल देंगे और आप इसको चावल के साथ, पूड़ी के साथ, नान के साथ, मिस्सी रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करें। धन्यवाद।